नहीं देखा होगा आपने ऐसा टीचर, पढ़ाने के लिए बच्चों से नहीं लेते फीस, छात्र के माता पिता फीस के बदले देते हैं राशन, गुरुकुल की तर्ज पर बच्चों को देते हैं शिक्षा। देखिए 21वीं सदी का गुरुकुल। भले ही आज शिक्षा को व्यापार बना दिया गया हो, लेकिन देश में अभी भी ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो न सिर्फ शिक्षा के महत्व को समझते हैं, बल्कि वो शिक्षक पुराने वक्त में चलने वाले गुरुकुल की तर्ज पर छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। दरअसल बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड के मटिहानी इलाके में रहने वाले शिक्षक सुबोध कुमार बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। इसके लिए वो बच्चों से फीस भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के परिवार वालों ने शिक्षक की परेशानी को समझा और उन्हें मेहनत करने के तौर पर गेहूं, सब्जी या दूध देते हैं। इसी से ही सुबोध कुमार अपने परिवार का भी भरण पोषण भी करते हैं। मेरा पढ़ाई छूट गया, जिससे मेरे पिताजी प्राइवेट ट्यूशन सुबोध सर के यहाँ जाने के लिए बोले। मेरे पिताजी किसान हैं, पैसे के अभाव से मेरे पिताजी सर को पैसे के बदले अनाज देते हैं। पहले के ज़माने में जैसे लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, वैसे हम लोग भी आज पढ़ते हैं। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हम लोगों की बहुत क्षति। मेरे पिताजी एक किसान हैं और इस लॉकडाउन के कारण, सभी स्कूल बंद होने के कारण, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुबोध सर के ट्यूशन क्लास ज्वाइन कराया है मेरे पेरेंट्स ने। और इस लॉकडाउन के कारण हमारा अनाज भी नहीं बिका है इस बार, इसलिए हम सर को रुपये के बदले अनाज ही दे देते हैं। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय को कृषि प्रधान जिला कहा जाता है। यहाँ के अभिभावकों के आमदनी का जरिया भी कृषि एवं पशुपालन है, लेकिन कोरोना काल और बाढ़ की चपेट में आने से किसानों की माली हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी सताने लगी थी, लेकिन मटिहानी गांव के ही एक शिक्षक सुबोध कुमार सिंह ने न सिर्फ अभिभावकों के जहन से चिंता की लकीरें खत्म की, बल्कि छात्र को भी सिलेबस में पीछे नहीं होने दिया। खास बात यह है कि शिक्षक सुबोध कुमार न तो अपने छात्रों से मेहनताना का तगादा करते हैं और न ही छात्रों को इस बात का इल्म होने देते हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तो सभी स्कूल शिक्षण संस्थान सब बंद हो गए, मैं भी बैठा रहा, बहुत दिन तक बैठा रहा, लेकिन मेरे सामने भूखमरी की समस्या हो गई, क्योंकि मेरा मुख्य पेशा अध्यापन ही था। जब बंद हो गया तो मैं नमी रखा चाहता हूँ, ट्यूशन पढ़ना शुरू करता हूँ। तो गार्जियन से मिले, गार्जियन भी हमसे मिले, बेटा से गार्जियन, तो उनसे रूबरू हुए, वे भी कहे कि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा बेटा ठीक का, जाके बैठा हुआ है, ज्ञान उसके पास सर ज्ञान के अभाव में वह भटक रहा है। तो मैं भी कहा ठीक है, तो हमें घर पर भेजिए। मैं उनके घर पर भी जाता था और यहाँ भी जाता था, गुरुकुल के समान मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, बोरा बिछा करके, दही बिछा करके जैसा होता है पढ़ता है। तो पैसा के अभाव में, क्योंकि लॉकडाउन था, सभी मैंने आमदनी बंद हो गया, जो भी होता था रुपया के अभाव में, अन्य जो अनाज होता है, गेहूं होता है, सब्जी होता है, उसी को मैं लेना स्वीकार किया। वहीं शिक्षक सुबोध कुमार सिंह की इसी बात को देखते हुए गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए और अपने अपने हिसाब से उनकी मदद भी की। स्थिति ठीक ठाक नहीं रही तो सर जी से कहा कि सर जी ऐसा कीजिए ना कि गुरुकुल के हिसाब से ही आप कोचिंग भी चलाते हैं, तो कुछ वही परंपरा को कायम कर लीजिए, और हम लोग अगर अनाज दें तो आपको कोई कठिनाई होगी। सर जी कहे कि नहीं, अनाज तो मैं खरीदता हूँ, आप लोग दे देंगे तो मैं ले लूँगा। तो मतलब कभी गेहूँ, इस बार तो मकई हुआ ही नहीं है। जमाने में गुरुकुल चलाते थे, ठीक उसी प्रकार सर को हम अनाज देकर, सब्जी देकर, दूध देकर, और इस चीज़ को सर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में अनाज बिका नहीं, पैसे की बहुत किल्लत हुई, और बच्चों को सही शिक्षा भी देना था, इसको देखते हुए हम सर को अनाज देते हैं, दूध देते हैं, सब्जी देते हैं, क्योंकि सर का भी परिवार है, उनको भी अपना परिवार देखना पड़ता है। इस लॉकडाउन में सरकारी स्कूल हो,
या प्राइवेट स्कूल हो, सभी बंद था और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना था। अपनी नेक दिली और शिक्षण देने के तरीके के चलते शिक्षक सुबोध कुमार गांव ही नहीं पूरे जिले में काफी चर्चित हैं और लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।